So welcome back and a very happy Diwali and a very prosperous and a healthy new year. And with this Diwali break, vacation ka samay hai, chuttiyon ka samay hai, bahut sare log milenge, dost milenge, rishtedar milenge aur sabhi chances hai ki hamara diet, hamari exercise, हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरह नॉन डायबिटिक और पूरी तरह डायबिटिक नॉन फ्रेंडली हो जाए. सो इस थोड़ा सा मुश्किल समय है कि जहां पर थोड़े एफर्ट ज्यादा डालेंगे तो हमारी लाइफस्टाइल को हम बरकरार रख सकते हैं. तो आज मेरा जो अनुभव है, ये हमारी डायबिटिक फ्रेंडली लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का इस समय में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. और बहुत ही ध्यानपूर्वक ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की आप कोशिश करिए. नॉर्मली हमने देखा है कि ये दिवाली के समय के बाद सबके ब्लड शुगर्स बढ़े हुए रहते हैं. रीजंस आर ऑब्वियस, टेम्पटिंग फूड, रिलेटिव्स आल्सो कम एंड टेम्प्ट यू, ऑफर यू एवरीथिंग दैट दे नो दैट दिस इज नॉट गुड फॉर योर शुगर्स. सो मोस्ट पीपल विल कमेंट, अरे एक बार खा लिया तो क्या होगा, आप इतना तो करते हो, थोड़े दिन खा लिया तो क्या होता है, कभी तो लिबर्टी ले लो. सो यहां कितनी लिबर्टी लेनी है ये हमारे ऊपर है. और मोर इम्पॉर्टेंटली, आपके शुगर लेवल्स कितने कंट्रोल में है उसको देखकर आपको डिसाइड करना है कि कितना डिफॉल्ट करे, कितनी लिबर्टी हम ले. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके प्रीवियस शुगर रिकॉर्ड को आप देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए आप कितनी दवाइयां ले रहे हैं. ये सभी चीजों को देखकर आप डिसाइड करिए कि लिबर्टी कितनी लेनी है. तो मेरा अनुभव, मैं बोलूंगा, मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि इस समय में जहां पर सब कुछ टेम्प्टिंग फूड है, वहां पर किस तरह से हमारी लाइफस्टाइल को बरकरार रखना है, उसके अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगा. होप आपके लिए इट विल बी यूजफुल फॉर यू टू स्टे ऑन ट्रैक. और अगर ट्रैक से आप ऊपर नीचे हो गए तो भी वापस कैसे ट्रैक पर आना है, इसका भी थोड़े बहुत टिप्स मैं आपको एक्सपीरियंसेस में शेयर करूंगा आपके साथ. तो पहली बात इम्पॉर्टेंट यह है कि एक्सरसाइज और डाइट, ये दो चीजों को हम देखें. एक्सरसाइज जब छुट्टी के दिन होते हैं तो एक्सरसाइज भी भूल जाते हैं, तो जिम भी बंद रहेंगे दिवाली के दिनों में. तो जो लोग जिम जाते भी है रेगुलरली, उनके लिए भी ये मुश्किल टाइम होगा कि अब जिम भी नहीं है तो घर पे बैठने का एक और रीजन भी मिल जाएगा. तो एक्सरसाइज की बात करते हैं. सबसे पहले, अगर आपके घर, आपके जिम बंद है आपका, तो ऑप्शन हमारे पास ये 5 या 6 दिन, ये हफ्ते का गिन लीजिए, हफ्ते 10 दिन के समय में अगर आप साइकिलिंग कर सकते हैं, कोई भी रोक नहीं सकता है आपको साइकिलिंग के लिए अभी, तो एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स साइकिलिंग करिए. दैट विल मेक अप फॉर द लॉस ऑफ योर जिमिंग. द अदर थिंग दैट यू कैन डू फॉर श्योर ऑप्शन ये है
कि रेजिस्टेंस बैंड ट्रेनिंग, काफी सारे वीडियोस आपके यूट्यूब पे मिल जाएंगे रेजिस्टेंस बैंड के। जब वेट्स नहीं होते हैं तो बिल्कुल रेजिस्टेंस बैंड बहुत हेल्प करेगा आपको मसल को टोन अप करने के लिए। तीसरी बात यह है कि बहुत सारी फ्लोर एक्सरसाइजेस, 7 मिनट्स हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स, इसके वीडियोस भी आपको काफी यूट्यूब पर मिल जाएंगे। 7 से 10 मिनट कुछ भी ना करे तो ये हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ट्रेनिंग भी एक बहुत बढ़िया स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन कोई भी दिन ऐसा ना जाने दे कि जहां पर आप एक्सरसाइज आपने नहीं किया हो। अगर एक दिन ऐसा जाता भी है तो वो दिन में मेडिटेशन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को। सो 3 ऑप्शंस यू हैव गॉट, साइक्लिंग, रेजिस्टेंस बैंड एंड फ्लोर एक्सरसाइजेस, स्पेशली हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस, 7 मिनट्स हाई इंटेंसिटी वर्कआउट एंड मेडिटेशन। इन 10 डेज आप चूज कर लीजिए कौन से दिन में क्या करना है। इसका पूरा मिक्सर बना के आप यूज कर सकते हैं। सुबह नहीं हो सकता है, शाम को करिए। कभी भी दिन में एक आधा पौना घंटा निकाल के जरूर से एक्सरसाइज करिए। इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग, ट्राई एंड डू एटलीस्ट वन ऑफ दीज ड्यूरिंग द डे। Then we come to diet, which is a more challenging part. So Diwali के time पे 2 चीजों में diet को बांटेंगे। एक चीज है कि हम क्या बनाए, घर पे बना रहे हैं वो, और दूसरा जब बाहर दूसरों के घर पर जाए तो क्या खाए। So पहली बात बनाने की बात कर लेते हैं, because जो बनाना है वो बिल्कुल हमारे control में है, हम choose कर सकते हैं। सबसे पहले जब डाइट है, डाइट की बात करते हैं, फूड की बात करते हैं, तो ये स्टेप्स आप बिल्कुल फॉलो करिए। स्कैन द फूड, क्या अवेलेबल है, आप जब बनाना है या आप बाहर जाकर खाना है, स्कैन द फूड, सर्वे द फूड, देन थिंक व्हाट इज इट दैट इज सूटेबल टू मी, and then choose that food. And fourth, अगर सब scan करने के बाद भी हमें लगता है कि एक भी food हमारे लिए suitable नहीं है, तो अगर आप बाहर है तो ask for the suitable food, ask. And otherwise, if you are making it, then make a suitable food. So we will talk about making the suitable food. क्या चीज हम बनाए जो हमारे लायक है, हम डायबिटीज फ्रेंडली फूड कैसे कर सकते हैं। So सबसे पहला अगर हम खाने में देखें तो बनाने के लिए कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट रहेगा, या ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल, या कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, नथिंग बेटर देन these 2 oils is good for your diabetes of sugar and for any lifestyle disorder per se. Then agar hum mithaiyan dekhe to normally maide ki mithaiyan banti hai, gheu ki mithaiyan banti hai, to is samay gheu mein khapli gheu, bansi gheu ya desi gheu, iski banaiye instead of making the from the wheat flour which is usually commercially available, you will have to get khapli gheu, bansi gheu ya desi gheu. Gujarat mein thoda khapli gheu mushkil hai milna, but fir bhi mil jata hai, aur Amazon pe to bilkul aasani se aapko mil jayega, aap order kar sakte hain. To khapli gheu ka aata lekar हम मिठाइयां बना सकते हैं।
मैदा मत इस्तेमाल करिए, मोस्ट हार्मफुल। दूसरी बात है कि जो काफ़ी तली हुई चीज़ें हैं उसको हम दाल बेस्ड चीज़ें बनाएं, चने की दाल से बना सकते हैं। तो जैसे कि सेव है मोस्ट कॉमन, तो चने के फ्लावर से बनाइए, और अगर उसमें गेहूं का आटा डालना है तो खपली गेहूं का आटा डालिए। दूसरा, हम लोग ज़्यादा करके चिवड़ा बनाते हैं, तो उसमें आपको रेड राइस पोहा मिल जाएगा, उससे आप चिवड़ा बना सकते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि स्वीट्स में क्या बनाएं, तो स्वीट्स के लिए आप स्टीविया यूज़ कर सकते हैं। स्टीविया सभी फॉर्म्स में मिलता है, पाउडर में मिलेगा आपको, ड्रॉप्स में मिलेगा, टैबलेट्स में मिलेगा, सभी फॉर्म्स में स्टीविया बहुत अब इजीली अवेलेबल है। तो शुगर की रिप्लेसमेंट इज स्टीविया, एंड इवन बेटर रिप्लेसमेंट इज डेट्स एंड किशमिश। दूसरी बात, मिठाई में हम नट्स यूज करेंगे, आलमंड्स है, कैशूज है, वॉलनट्स, आलमंड्स ग्रेट, नेक्स्ट इज कैशू, एंड देन पिस्ता, यू कैन यूज पेकन्स एंड मेक स्वीट्स आउट ऑफ दीज विथ डेट्स। सो दे आर नॉट ओनली गोइंग टू सर्व योर टेस्ट बड्स, बट विल कीप अप विथ योर डायबिटीज ऑल्सो। सो दीज विल बी गुड if you make sweets out of these. Next comes a situation when you go out. So again, remember the formula, scan the food, select what is suitable to you. If you are in a situation ki jahan aap mang sakte hai, to bilkul mang lijiye ki ye cheez mere liye suitable rahegi. मेरा अनुभव यह कहता है कि जब हम मांगते हैं तो हमारे दोस्त और रिश्तेदार भी अलाइन हो जाते हैं हमारे फूड, हमारे लाइफस्टाइल से, तो वो भी ऑफर वही चीज़ करेंगे जो उनको पता चल जाती है कि आपके लिए ये सूटेबल है। किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार को ऐसा होता नहीं है कि चलिए अभी इनको यही खिलाना है जो इनके लिए सूटेबल नहीं है। तो आस्क, एंड इफ यू आर इन अ सिचुएशन की वेर यू कैनॉट आस्क, देन चूज वॉट इज लीस्ट हार्मफुल। इन दिवाली टाइम यू विल नॉर्मली फाइंड कि पीपल ऑफर यू ड्राई फ्रूट्स, नट्स, दे ऑफर यू फ्राइड, एंड दे ऑफर यू स्वीट्स, एंड मे बी टी और कॉफी। सो वेन यू लुक थ्रू ऑल द फूड और कुछ हमारे लिए सूटेबल नहीं लगता है, तो डेफिनेटली कोई भी नट्स आप उठा के ले सकते हैं, लीस्ट हार्मफुल। और अगर चाय कॉफी पीनी है आपको कहीं पर, तो ब्लैक कॉफी एंड ब्लैक टी, और ग्रीन टी अभी भी सब लोग पीते हैं विथ स्टीविया, दैट विल सेव यू फ्रॉम डिफॉल्टिंग एंड getting into a bad sugar situation. Very important है कि ये समय हमें default करने के बहाना नहीं बनाना है इसको. So that's very important to realize. So keep watching what you eat, keep choosing the right thing, keep making and keep asking what is suitable to you. It will come. And don't forget to at least do one of the exercises for at least 30 minutes, 40 minutes. Agar ye bhi samay nahi hai, to 7 minutes high intensity training. Very, very easy. You will find plenty of videos on the YouTube. And then comes a time where the Diwali is done and now you are settling back and
then you start doing your sugar levels and you see that they're going high. So what to do? So important thing is, once you are back into the routine after Diwali, one good idea is to take down your meals to just 2 meals a day or 1 meal a day, or fast with limbu pani with chia seeds in it, fast with some watery soups. That will bring down your sugars back to normal, your weight back to normal. And another very strong recommendation is, even during the Diwali time, jab aap chuttiyan manate hain, wo dinon mein bhi agar ban sake, thoda mushkil hai, lekin koshish zarur kariye aapki blood sugar karne ki. Ye cheez hamare liye ek alert dete rahega ki kahan hum ja rahe hain. So with this, I hope this video is going to help you stay on track. I again wish all of you a very healthy, happy, prosperous new year, and we meet again in the new year. Goodbye, have a wonderful time, and do subscribe to our channel. If you like these videos, do share it with your friends and relatives. Bye bye.